एक बार से वैसे मंगलसूत्र दिखाया सर क्या लगता है।
चलो क्या चलो चलो पीछे जा भाई चलो अभी ऐसे चलो अंदर चलो अंदर चलो अच्छे यस सर चलो अंदर ये लगे भाई साथ गया I wish it all to happen. She's so happy, and I'm very happy for them. You know, they look so good together. They're so happy, and it's a beautiful day, a beautiful start for their new journey. And I wish her all the happiness. Okay, Parul aur Parul ke look ke baare mein kya kehna chahiye? Bahut khoobsurat lag rahi hai wo. Har ladki ka sapna hota hai dulhan banna, aur dulhan banke wo sabse zyada sundar lagti hai. So aaj bahut sundar lag rahi hai. Okay, Naira, aapse bhi poochna chahenge. Aap bhi bahut khoobsurat lag rahi hai. To ऐसा कुछ है नहीं जिसके बारे में कुछ कहूँ. इट्स वेरी सिंपल एंड यू नो बस हमें यहाँ पे आना था उनके पास तो हम बस आ गए हैं. बहुत बहुत ज़्यादा खुश है उनके लिए एंड एंड आई विश हर ऑल द हैप्पीनेस. यार दे लुक अमेजिंग टुगेदर एंड यार जस्ट ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू लाइफ. बहुत ही अच्छा लग रहा है. बहुत ही अलग टाइप की शादी हमें देखने को मिली. आई थिंक इट्स द फर्स्ट वेडिंग आई हैव अटेंडेड इन मुंबई. पहली शादी मैंने इतने सालों में मुंबई में अटेंड की है. आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर हर वेडिंग एनीवेज. और आज हो गई है. मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब अरे इनकी शादी हो गई. हम लोग उनको चढ़ाते थे अरे अब तो शादी है अरे होने वाली है ये होने वाला है. बट बहुत खुश है यार. बहुत अच्छा लग रहा है. बिल्कुल यार उनकी इतना बड़ा दिन है हर लड़की के लिए. ये दिन बहुत बड़ा होता है. बहुत स्पेशल होता है. Okay, Parul, हर लड़की का सपना होता है कि सब लोग हाल संभाल.
बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था कि सबके आशीर्वाद के सारे बड़े हों मेरे साथ में। इनफैक्ट हमने जितना सोचा था उससे भी बहुत अच्छे से हुई है। सिंपल एक कोर्ट मैरिज करने वाले थे कि मतलब कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन मेरे मॉम डैड ने बोला कि जब ऑफकोर्स जब एक हर माँ बाप का सपना होता है कन्यादान करना, पैर उठना, तो हम चाहते ही करो, तो मंदिर का प्लान हुआ। तो मतलब अपने आप चीज़ें जो बनती गई, वेरी थैंकफुल के बहुत सारे एडवेंचर्स हुए रास्ते में, एक्चुअली ट्रैफिक से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मतलब हमको लगा कि टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, बट लकीली पहुंच गए एंड मुहूर्त के हिसाब से हमने सारी जो रस्में थी वो हमने सारी कंप्लीट कर दी। सच बताओ तो हमेशा से जैसे कि शो में भी देखते हैं वो हमेशा मतलब यू नो सजी धजी होती है, लेकिन एज अ दुल्हन जब आज मैंने देखा तो मतलब दो मिनट के लिए ऐसा देखता रह गया, वाओ नाउ दैट्स ब्यूटी। ये होती है यू नो कि जो इतनी सिंपलिसिटी में इतनी खूबसूरत एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि ऐसी लाइफ पार्टनर मुझे मिली एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग इन माय लाइफ। बहुत अच्छा था, कुछ भी पहनते हैं अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑफकोर्स जब आप देखते हो कि आपका जो दूल्हा है वो आपको इन्होंने लेने आ रहा है, शादी होने वाली है अभी कुछ दिन पे, ये रस्में होने वाली हैं, मैं पारुल चिराग ठक्कर बनने वाली थी, जब मैंने ऐसे देखा मैं ऐसे थी बस जो चाहा था वो मिला, जैसा चाहा था वैसा मिला। ऑफकोर्स सबका ये सोशल मीडिया पे हमने बहुत ज़्यादा प्यार देखा है और सबसे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं हमारे हमारी जोड़ी को लेकर। ये बेस्ट पार्ट है ना कि हम लोग इतने बार जब भी पोस्ट करते हैं पिक्चर्स वगैरह तो जनरली बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस और मिक्स्ड कमेंट्स आते हैं, बट फॉर्चुनेटली ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हमने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। इस सभी कमेंट्स के लिए सभी सभी चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आप सब लोग का थैंकफुल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ज़ूम करो, पढ़ के नहीं बताऊंगी। एक्चुअली जैसे मैंने सोचा था हमारे वहाँ जब नॉर्थ में शादी होती है जो साड़ी या लहंगा आता है वो हमारे मम्मी पापा की तरफ से होता है, बट दिन में शादी कर रही थी, लेकिन हाँ मैं जो मेरा लखीमपुर में रिसेप्शन है वहाँ पे फुल ब्राइड की तरह रेडी होने वाली हूँ मैं, तो आज मैंने बनारसी साड़ी पहनी हुई है और ये रेड दुपट्टे का आइडिया मुझे एल मोमेंट आया कि चिराग के लिए मैंने स्पेशली परमिटल नहीं व्हाइट पहन रहा है तो उसके साथ कुछ मरून होना चाहिए, जो मेरी ननद है मैंने उनको फटाफट भगाया क्योंकि मैं अपने काम में बिजी थी, मैंने कहा ये नहीं, वो पिक्चर्स भेज रही थी भाभी कौन सा चलेगा, मैंने कहा ये नहीं, मैंने अच्छा वो कर रहे तो मैं क्यों नहीं चुन्नी करूँ, मैंने भी चुन्नी की एंड लिटरली रात को 2 बजे शिल्पा और किया मेरे घर पर बैठ के उसमें टिकलियाँ लगा रही थी, स्टार्स फिक्स कर रही थी, हम लोग ऐसे मैं ऐसे बैठी करो 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 बहन की शादी है फ्रेंड की शादी है। एक्चुअली ये भी हमारे नॉर्थ में होता है कि ब्लैक और रेड कांच की चूड़ी पहनाई जाती है जो मॉम डैड की तरफ से होती है। ओके सिंदूर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, ऑरेंज सिंदूर है, वो लोग मैच करते हैं रेड नहीं, जो जो चीज़ें शुरुआत से चलती आ रही हैं, जो प्रथाएं चलती आ रही हैं, मैंने प्रॉपर उसी तरीके से शादी की है और मेरे मॉम डैड ने बैठ के शादी की, हमें किसी पंडित जी की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज उनको सारी प्रथाएं पता थी। हमारे नॉर्थ में जो प्रॉपर सुहागन का जो सिंदूर होता है वो इसी कलर का होता है, फिर आप उसको रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, शगुन का सिंदूर होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।